अल्लाम डियर स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन स्किल्स हमने कंप्लीट कर लिया है आज हम कम्युनिकेशन स्किल्स की थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं इस पर कुछ क्वेश्चन हैं वो हम कर लेते हैं यहाँ पे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनस क्वेश्चन नंबर वन वाट द पर्पज़ ऑफ कम्युनिकेशन अब कम्युनिकेशन की क्या पर्पज़ है आपने ये सब पढ़ा है तो आपको ईजिली पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन की पर्पस क्या है ए पार्ट है इनफॉर्म, टेल समन अबाउट समथिंग इन्फ्लुएंस, गेट समन टू डू समथिंग यू वांट, शेयर थॉट्स, आइडियाज फीलिंग्स तो ये तीनों के तीनों कम्युनिकेशन की पर्पस हैं तो इसको हम लगा सकते हैं ऑल ऑफ द एबो अब दूसरा विच आर द फॉलोइंग यूज्ड टू रिसीव थ्रू अ लेटर अगर कोई आपको मैसेज भेज रहा है थ्रू अ लेटर तो आप उसको कैसे रिसीव करोगे लिस्निंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग कैसे करोगे आपको तो लेटर पढ़नी है तो रीड करना है हाउ डू यू रिसीव इन्फॉर्मेशन ऑन फ़ोन फ़ोन पर आप इन्फॉर्मेशन कैसे रिसीव करोगे बिल्कुल लिसनिंग आपको सुनना है वहाँ पर बोलना तो नहीं अगर आपको मैसेज रिसीव करनी है तो आपको सुनना है मैच द कॉलमस लैंग्वेज लैंग्वेज का कौन सा आएगा लैंग्वेज टाकिंग इन हिंदी वैन अदर्स नो ओनली तामिल अगर आप किसी से बात कर रहे हो फॉर एग्ज़ाम्पल वो तामिल का है आप हिंदी में बात कर रहे हो तो वहाँ पे आपकी लैंग्वेज अलग है और उसकी लैंग्वेज अलग है तो कम्युनिकेशन स्किल्स वहाँ पे आपका कम्युनिकेशन है जो वो ऑलमोस्ट जीरो है वहाँ पे इमोशनल इमोशनल कैसे आप देख देख लो इसमें कौन आएगा इसका अप्रोप्रिएट आंसर कौन आएगा डी पार्ट देख लीजिए पेरेंट इज़ नॉट टॉकिंग टू द चाइल्ड अगर माँ बाप बच्चे से बात नहीं करते हैं तो बच्चा उसको एक इमोशनल स्ट्रेस आता है उससे लगता है कि मैं शायद इन्फीरियर हूँ कुछ मतलब मेरे माँ बाप मुझसे उनको ज्यादा लगाव नहीं है मुझसे इन्वामेंटल अब इन्वा एनवायरमेंटल इसका क्या आएगा अगर आप यहाँ पे ए पार्ट इसका आंसर है ट्राइंग टू रीड ए बुक वन समी एल्स इज वॉचिंग टी वी इन दैमरा आप कमरे में बैठे हो तो आपका आप पढ़ रहे हो लेकिन वहां पे आपका दोस्त है कोई है, वो टी वी देख रहा है तो आपका एनवायरमेंट जो है वो हम ये कह सकते हैं डिस्टर्ब है कि आपको आप बुक पे ज्यादा कंसनट्रेट नहीं कर सकते हो कल्चरल इन सम कल्चर वियरिंग शूज एंड वॉकंग इन साइड द किचन इज कंसिडर रूड एंड डिसरेस्पेक्टफुल हो गया ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ये देख लीजिए आप. <clears throat> आपने पढ़ाए राइड द सेवन फैक्टर्स परस्पेक्टिव इन कम्युनिकेन कम्युनिकेशन में सात परसपेक्टिवज़ आपको बताने हैं कौन कौन से परस्पेक्टिव हैं कम्युनिकेशन में यह आपने पढ़ा भी है लैंग्वेज मैंने अलग अलग से इसको पढ़ाया लैंग्वेज विजुअल परसेप्शन पास्ट एक्सपीरियंस प्रजुडिस फीलिंग्स एनवायरमेंट कल्चर ये आपने पढ़ाया गिव एन एग्ज़ाम्पल ऑफ द फॉलोइंग क्लियर कम्युनिकेशन बी क्लियर अबाउट वाट यू वॉन्ट टू से क्लियर कम्युनिकेशन की आप कैसे एग्जाम्पल दोगे कैसे एक्सप्लेन करोगे यानी कि आपको जो वहाँ पे बोलना है वो आप क्लियरली बताओ बिल्कुल उसमें जो इन्फॉर्मेशन आपको बतानी है वो क्लियरली बताओ ना कुछ उसमें ऐड करो न कम करो पूरा बताओ क्लियर बताओ जो आपको बताना है इन्फॉर्मेशन देनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन योर मैसेज शुड हैव ऑल द नीडेड इन्फॉर्मेशन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन में क्या आएगा जो आपको मैसेज डिलीवर करनी है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम उसको कह सकते हैं कि आपको बिल्कुल वही इंफॉर्मेशन देनी है कंप्लीटली देना है वही जो आपको इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करनी है मतलब उसमें जो कुछ भी आता है जो कुछ भी वो आपको फॉरवर्ड करना है आगे ले जाना है उसको हम कहेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन